नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अभी की संस्कृत कक्षा संस्कृतविद सीके में। आज हम देखेंगे कक्षा अष्टम का संस्कृत और आज का पाठ है नवमा पाठ है षड ऋतु वर्णनम, छह ऋतुओं का वर्णन। तो हमारे भारतवर्ष में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं उनके बारे में चलिए आज हम पढ़ेंगे। अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति, हमारे देश में छह ऋतुएं होते हैं। ते इमे वे हैं वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिराश्च। वे हैं या उनमें से है वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। एतेषु वसंतः ऋतुराजः इति कथ्यते, उनमें से वसंत जो ऋतु है वह ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जो वसंत ऋतु है उसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अस्य आगमः माघ शुक्ल पक्षम्याम तिथौ भवति, इसका आगमन माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है, महीने के अनुसार से लगभग फरवरी में, जनवरी फरवरी में। तो अस्मिन् दिने वागदेव्याः पूजनमपि भवति, इस दिन वाणी की जो देवी है माता सरस्वती उनका पूजन भी होता है। वसंते समशीतोष्ण वातावरणम भवति, वसंत ऋतु में समशीतोष्ण वातावरण होता है, अर्थात वातावरण कैसा रहता है, न तो अधिक ठंड रहती है और ना ही अधिक गर्मी रहती है, दोनों जो है समान रहता है। सम शीत और उष्ण, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, वो दोनों जो है समान रहता है। शीतल मंद सुगंध मलयानील प्रवहति, शीतल ठंडा मंद धीरे धीरे सुगंध सुगंधित मलयानील, मलय पर्वत से आने वाला अनिल हवा बहती है। तो इस समय कैसा होता है, ठीक ठंडी ठंडी धीरे धीरे सुगंधित मलय मलय पर्वत से आने वाली हवा बहती है। मलय पर्वत में क्या है, मलय पर्वत में जो हिमालय में है उसमें चंदन का वृक्ष है और वहाँ से आने वाली जो हवा है वह सुगंधित होती है। वने उपवने च विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति, वनों और बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलने लगते हैं। पिकाह कूजन्ति, पीक जो हैं कोयल जो हैं वो कूकने लगते हैं। वनचराः नभचराः प्रमुदिताः भवन्ति, वन में विचरण करने वाले और आसमान में विचरण करने वाले सभी प्रमुदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वृक्षाः नवपल्लवानि धारयन्ति, वृक्ष जो हैं नए पत्ते धारण करने लगते हैं। आम्र वृक्षाः मंजरीभिः अतीव शोभन्ते, आम के वृक्ष की जो मौर है, आम के वृक्ष की जो फूल हैं वो उसकी जो मंजरी है वो भी अत्यधिक सुशोभनीय होती है। एक बार और पुनः देखेंगे, हमारे देश में छह ऋतुएं होती हैं, उनमें से है बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर। इनमें से बसंत ऋतु को, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसका आगमन माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। इस दिन वाणी की देवी माता सरस्वती का पूजन भी होता है। वसंत में समशीतोष्ण वातावरण होता है, शीतल ठंड धीरे धीरे सुगंधित मलय पर्वत से आने वाली हवा बहती है। वनों और उपवनों में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलने लगते हैं। पीक जो है वो कोयल जो है कूजने लगते हैं, गाने लगते हैं। वन में विचरण करने वाले और आकाश में विचरण करने वाले सभी प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वृक्षों में नए पत्ते धारण करते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं। आम्र वृक्ष की जो मंजरी है, मौर है, वो अत्यधिक सुशोभनीय होती है। आगे देखते हैं कौन सा ऋतु है। तो वसंते गते ग्रीष्म आगच्छति, वसंत के जाने पर ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्मे प्रचंड सूर्या तपेन धरा तपति, वसंत ऋतु के जाने पर ग्रीष्म ऋतु आती है और ग्रीष्म में प्रचंड सूर्या तपेन, प्रचंड सूर्य के ताप से उसके उसके गर्म किरणों से धरती जो है तप जाती है, गर्म हो जाती है। प्रचंड गर्म उष्मणा, प्रचंड गर्मी की उष्मा से रोगकारम, रोगकारक के रूप में विषम, रोगकारक विष के रूप में स्वेद या पसीना जो है बिंदु के रूप में, बूंद पसीने की जो बूंद के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगते हैं।
हरित वर्णाम फलम, हरे रंग के आम के फल पक्वा पितायते, पक करके पीले हो जाते हैं। तानि पक्वानि आम्रफलानि अतीव मधुराणि भवन्ति, वे पके हुए आम के फल बहुत ही मीठे होते हैं। ग्रीष्म ऋतोः व्यतीते सन्ति प्रसन्नः समीरः प्रवहति। ग्रीष्म ऋतु के व्यतीत हो जाने पर या ग्रीष्म ऋतु के जाने पर या उसके अंतिम समय में प्रचंड समीरा प्रभति, सभी तरह प्रचंड हवा जो है बहने लगती है, तूफान आने लगती है, छप्पर जो है उड़ने लगते हैं। स एव वर्षा ऋतोः आगमनम सूचयति, और वही जो है वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देती है। वर्षा ऋतो जलदः स्वजलधाराभिः पृथ्वीं पूरयति, वर्षा ऋतु में बादल अपने जलधाराओं से, अपने जल की बूंदों से पृथ्वी को परिपूर्ण कर देते हैं। कृषकाः कृषि भूमिं हलेन कर्षन्ति, किसान किसी भूमि को अपने हल से, अपने खेत को हल चलाते हैं। और बीजं वपन्ति च, बीज बोते हैं। अतिवृष्ट्या नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति, अतिवृष्टि से नदियाँ या अत्यधिक वृष्टि से, अत्यधिक वर्षा से नदियाँ जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। एक बार और पुनः देखेंगे। वसंत ऋतु के जाने पर ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म में प्रचंड सूर्य के ताप से धरती गर्म हो जाती है। प्रचंड गर्मी की उष्मा से रोग कारक के रूप में, रोग कारक विष के रूप में पसीने जो हैं, पसीने की जो बिंदुएं जो हैं, बूंद जो हैं, शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। हरे रंग के आम्र के फल, आम के फल पक कर के पीले हो जाते हैं। वे पके हुए आम के फल बहुत ही मीठे होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में व्यतीत होने पर सभी जगह प्रचंड हवा बहने लगती है, और वही वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना देती है। वर्षा ऋतु में जल बादल जो हैं अपने जल धाराओं से पृथ्वी को परिपूर्ण कर देते हैं। किसान अपने कृषि भूमि में हल चलाते हैं और बीज बोते हैं। अत्यधिक वृष्टि से नदियाँ अपने जल से परिपूर्ण हो जाते हैं। आगे देखेंगे। ततः शरदः ऋतुः आयाति, तब शरद ऋतु आती है, तब शरद ऋतु आती है। चंद्रस्य धवल ज्योत्स्ना संपूर्ण धरा जलमिव आभाति। ततः शरद ऋतुः आयाति, तब शरद ऋतु आती है। चंद्रमा की श्वेत किरणों से, धवल ज्योत्स्ना श्वेत किरणों से संपूर्ण धरा जलमिव आभाति, संपूर्ण धरती जो है वो जलमग्न सी दिखाई देती है, आभाति प्रतीत होती है। शरदि संपूर्ण भारतीयाः उत्सवेषु निमग्नाः प्रतीयन्ते, शरद ऋतु में सभी भारतीय उत्सवों में मग्न से या उत्सवों में, त्योहारों में डूबे से प्रतीत होते हैं। शरदन्ते हेमन्तः आगच्छति, शरद के अंत में हेमंत ऋतु आती है। हेमन्ते वयं महत शीतम अनुभवामः, हेमंत ऋतु में हम बहुत ही अत्यधिक ठंड का अनुभव करते हैं। जनाः ऊर्ण वस्त्राणि धारयन्ति, लोग ऊन के वस्त्र धारण करते हैं। दिवसः लघुः निशा च दीर्घा भवति, दिन छोटा और रात बड़ा हो जाता है। अस्मिन् काले तण्डुलयुक्ताः शालयः कनक प्रभा इव दृश्यन्ते, इस समय धान से युक्त चावल से युक्त धान की बालियां सोने के समान प्रतीत होती हैं, सोने के समान सुनहरी प्रतीत होती हैं। ततः शिशिरः आयाति, तब शिशिर आती है। शिशिरे शीताः पवनाः वहन्ति, शिशिर में शीत पवन जो है ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। वृक्षाणां पत्राणि जीर्णानि भूत्वा पृथिव्यां पतन्ति, वृक्षों के पत्ते जीर्ण होकर के, पुराने होकर के पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। शिशिर समना समापनावसरे, शिशिर के समाप्ति के अवसर पर लोग वसंतागमनस्य प्रफुल्लतायां पीत वस्त्राणि धारयित्वा हर्ष अनुभवन्ति, शिशिर के समापन के अवसर पर लोग वसंत के आगमन की प्रफुल्लता से प्रसन्नतापूर्वक पीले वस्त्र पहन करके, धारण करके हर्ष का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से ये जो है पाठ संपन्न होता है। एक बार और पुनः देखेंगे। तब शरद ऋतु आती है। चंद्रमा के धवल ज्योत्सना से अर्थात श्वेत किरणों से संपूर्ण धरता धरी जो है धरता धरती जो है संपूर्ण धरा जो है
जलमीव, जल ही जल या जलमग्न सी प्रतीत होती है। शरद ऋतु में संपूर्ण भारतीय उत्सवों में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। शरद के अंत में हेमंत ऋतु, उसके बाद हेमंत में हम सब बहुत ही ठंडा का या ठंड का अनुभव करते हैं। लोग ऊन के वस्त्र धारण करते हैं। दिन जो है छोटा हो जाता है और रात बड़ा हो जाता है। इस समय धान चावल से युक्त धान की बालियां सोने से प्रतीत होती हैं। तब शिशिर ऋतु आता है। उसके बाद शिशिर में शीत पवन जो है बहते हैं। वृक्षों के पत्ते जीर्णान होकर के पुराने होकर के पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जिसे पतझड़ का मौसम कहा जाता है, जो कि वसंत ऋतु के पहले आता है। शिशिर के समापन के अवसर पर लोग वसंत के आगमन की प्रसन्नता पूर्वक पीले वस्त्र धारण करके हर्ष का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से यह जो आपका पाठ है ये संपन्न हुआ। आगे इसी तरह से सभी प्रकार के या सभी पाठों के वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।